अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और कल रियलमी ने हमारे देश इंडिया में कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसका नाम था गाइज रियलमी वॉच, और वह एक स्मार्ट वॉच था या फिर स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर था जिसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना सोए हैं, कितना जागे हैं, कितना उठे हैं, कितना चले हैं, कितना दौड़े हैं, कितना भागे हैं, कितना खेले हैं, आपकी हार्ट रेट कितनी, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ऑक्सीजन ब्लड में कितना है, ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाती है ट्रैक करने को। लेकिन जब मैंने सोचा कि इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए तो मुझे ऐसा लगा था कि 2500 रुपये के आसपास होना चाहिए, और अगर 3000 के आसपास भी होता है तो रिकमेंडेबल है। लेकिन गाइस जब उसका प्राइसिंग अनाउंस हुआ तो उन्होंने रखा 4000 रुपये। अब मैंने सोचा यार कि क्या ये स्मार्ट वॉच के लिए 4000 रुपये देना जस्टिफाइड है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि 4000 रुपये से कम में आते हैं और मुझे रियलमी वॉच से ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, नो डाउट रियलमी वॉच एक अच्छा स्मार्ट वॉच है, दिखने में ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी कूल है, यूआई काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, जितना ज़्यादा फोटोज़ में दिखाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और फंक्शंस भी काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर 4000 रुपये से कम में वही सारी चीज़ें मिल रहा है तो भैया हमें लगेगा ना कि हाँ भाई ये रियलमी वॉच का प्राइसिंग कुछ ज़्यादा हो गया। बस वही केस यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ बहुत सारे मैंने स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू किया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। मैं खास करके चाइना से बैंगकॉक से मंगवा करके गाइस स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू करते रहता हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक से एक स्मार्ट वॉचेस 2000-2500 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा ये जो है इंडियन स्मार्ट वॉच आता है गाइस, जो कि है मी बैंड 4, और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको 2000 या 2500 रुपये स्पेंड करना है ना तो मैं कहूँगा कि कहीं और मत देखो और मी बैंड 4 में ही स्पेंड करो, बिकॉज गाइस ये बेस्ट स्मार्ट वॉच है जो कि आप बाय कर सकते हैं। ये सिर्फ बैंड नहीं गाइस, ये वॉच बन चुका है, इतने सारे फंक्शंस हैं। लेकिन गाइस मैंने ये देखा है कि कई सारे लोग, या फिर मैं भी अगर अपना पर्सनल प्रेफरेंस देखूं तो आजकल मुझे वॉच लुक ज्यादा पसंद आता है मी बैंड या फिर बैंड लुक नहीं। यानी कि गाइस मैं भी चाहता हूं कि मेरे हाथों पे अगर कुछ रहे तो वो वॉच जैसा कुछ रहे, इसलिए मी बैंड 4 मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिर भी मैं उसे सबसे कम इस्तेमाल करता हूं, बिकॉज गाइस मुझे उसका शेप एंड साइज जो है अब बहुत ज्यादा भाता नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि यार चलो वॉच इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास कई सारे ऐसे स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि वॉच की तरह दिखने में लगते हैं, और यहां पे इसीलिए मैं कहता हूं कि लुक मैटर करता है अगर आप स्मार्ट वॉच की दुनिया में जा रहे हो। साथ ही साथ डिस्प्ले भी मैटर करता है, बिकॉज वॉच के डिस्प्ले जितना ज्यादा खूबसूरत होता है हमारे कलाई पे उतना ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ गाइस स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि दिखने में तो खूबसूरत हो ही बट हमारे स्किन को भी नुकसान ना करे, हमारे हाथों में जो बाल है उसे भी कहीं ना नोचे, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको कुछ वॉचेस जो रिकमेंड करने वाला हूं जो कि रियलमी के वॉच से तो भैया मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि सबसे पहले मी बैंड 4 के बारे में मैंने आपको बताया, अब जिनको नहीं चाहिए इस तरह का शेप वो आगे बढ़े। तो अगर आपको 4000 रुपये स्पेंड ही करना है यार, तो क्यों ना एक ट्रू स्मार्ट वॉच में स्पेंड करो। जी हाँ गाइस, 4000 रुपये में आपको Amazfit Bip मिल जाती है, और अगर आप GPS वाला वर्जन लोगे तो 5000 रुपये में मिल जाएगा, और यह एक ट्रू स्मार्ट वॉच है। सबसे पहले इसकी बैटरी यार 45 डेज तक चलती है, दिखने में भी पूरा का पूरा गाइस नॉर्मल वॉच की तरह लगता है, और अगर हाथ में पहने रहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भैया ये स्मार्ट वॉच है। और इसमें भी काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फिटनेस ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप अपना एक्टिविटी कर सकते हैं, वेदर देख सकते हैं, और फोन से पेयर करके म्यूजिक कंट्रोल वगैरह जो है कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाती है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो डल है। जी हाँ, Amazfit Bip भले ही एक ट्रू स्मार्ट वॉच की तरह काम करता है बट इसका डिस्प्ले जो है बहुत ज़्यादा डल है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रू स्मार्ट वॉच वही होगा जिसमें हम एटलीस्ट SMS का रिप्लाई कर सकें, लेकिन जितनी भी स्मार्ट वॉचेज आते हैं ना 5000 के नीचे, उनमें से किसी में भी आप SMS का रिप्लाई नहीं कर सकते या कॉल नहीं ले सकते, आप सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। इसलिए 4000-5000 रुपये में इतना ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए कि आपको SMS का रिप्लाई करना मिलेगा या फिर एंड्रॉयड वाला वर्जन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आपको नॉर्मल वॉचेज मिलेंगे प्रोप्राइटरी ओएस के साथ। तो यहाँ पे गाइस एक स्मार्ट वॉच आता है जिसका नाम है हेलो LS01, और ये जो हेलो है गाइस ये भी एक शॉमी का बैग्ड ही कंपनी है जिसे मैंने चाइना से मंगाया था, इसका मैंने रिव्यू किया था, और सच बताओ गाइस ये मेरा फेवरेट स्मार्ट वॉच है। सबसे ज़्यादा अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इसी को करता हूँ। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, दूसरा दिखने में बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह लगता है, तीसरा गाइस इसका डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले मैंने देखा है स्मार्ट वॉच की दुनिया में, और शेप एंड साइज जो है ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, कलाई पे काफ़ी अच्छा फिट होता है, और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रैप मिलता है गाइस वो भी बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली मिलता है। जी हाँ, मुझे मी बैंड 4 के स्ट्रैप से भी कई बार मेरे स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, लेकिन हेलो के स्ट्रैप से मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ है।
अगर आपने इस स्मार्ट वॉच का रिव्यू नहीं देखा है देख लीजिएगा, इस लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये स्मार्ट वॉच वन ऑफ द बेस्ट है और रियलमी वॉच जितनी सारी चीज़ें कर सकता है सब कुछ ये कर सकता है और उससे भी अच्छा कुछ चीज़ों को कर सकता है। जैसे कि अगर आप इसमें नोटिफिकेशंस देखेंगे तो इतने अच्छे डिटेल्स में दिखाता है और टोटल 10 नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिखाता है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत सही लगता है गाइस। और बिल्कुल गाइस इस स्मार्ट वॉच का जो यूआई है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। और मैं कहूँगा कि अगर आपको स्पेंड करना है 4,000 रुपये रियलमी वॉच में तो भैया 1,500 रुपये बचा लो या 1,800 रुपये बचा लो और 2,000 रुपये में इस स्मार्ट वॉच को बाय कर लो। जी हाँ गाइस, इस स्मार्ट वॉच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2,000 है और ये हर काम कर सकता है जो कि रियलमी वॉच कर सकता है। लेकिन बस एक काम को छोड़ के रियलमी वॉच कहते हैं कि हम लोग 100+ स्किन्स देंगे, 100+ यूआई देंगे जिसमें आप फेसेस लगा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 5 फेसेस मिलता है, लेकिन मैंने डे टू डे यूजर्स में गाइज मेरे मी बैंड 4 में भी 100+ वॉच फेसेस मिलते हैं, लेकिन मैं उतना ज़्यादा चेंज नहीं करता बिकॉज गाइज मुझे लगता है कि 5-6 वॉच फेसेस काफ़ी अगर आपको रेगुलरली यूज़ करना है। मैं मी बैंड 4 से भी गाइज ज़्यादा प्रीफर इसी को करता हूँ हेलो को, और कई बार तो गाइज Amazfit Bip से भी ज़्यादा प्रीफर इसको करता हूँ। लेकिन एक और स्मार्ट वॉच है गाइज जो कि 2,500 रुपये में आता है और इन सभी स्मार्ट वॉचेस को पीछा छोड़ देता है। भले ही गाइज यूआई के मामले में पीछे ना छोड़े, लेकिन लुक्स के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, खूबसूरती के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में इन सबको पीछे छोड़ देता है। और ये आता है गाइज ब्लिट्ज़ुल्फ की तरफ से, इसका भी मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक मिला है डिस्क्रिप्शन में। सबसे खास बात यार कि ये पूरा का पूरा गाइज जो बॉडी है वो मेटल की बनाई गई है, जो स्ट्रैप्स है वो काफ़ी ज़्यादा लेदर फिनिश है जो कि दिखने में खूबसूरत है, और जो डाई लगाइज वो सर्कुलर मिल जाता है। और मुझे पर्सनली गाइज ये स्क्वायर शेप से या रिक्टेंगुलर शेप से ज़्यादा अच्छा पसंद है कि भैया ये इस तरह का सर्कुलर डाइल मिले। और साथ ही साथ इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है गाइज वो लाजवाब है, जो कलर्स मिलते हैं वो लाजवाब मिलते हैं। ये जो वॉच है थोड़ा सा यूआई में स्टटर करता है लेकिन हैंग कभी भी नहीं होता है, और इसमें भी आप वो हर काम कर सकते हैं जो कि आप रियलमी वॉच में करना चाहते हैं। जैसे कि आप म्यूज़िक कंट्रोल करना चाहें, फाइंड फोन करना चाहें, स्लिप ट्रैकिंग करना चाहें, स्टेप कैलकुलेशन करना चाहें, वो हर काम आप इसमें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी देख सकते हैं, हार्ट रेट भी देख सकते हैं, और ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड भी देख सकते हैं। तो हर फीचर मिल जाता है रियलमी वाला, बस एक चीज छोड़ करके, वही गाइस कस्टम यूआई। 100+ कस्टम यूआई सिर्फ रियलमी यूआई में है और मी बैंड्स में है, बाकी इन सभी में गाइस 5-6 ही कस्टम यूआई मिलते हैं। बट जो कस्टम फेसेस है गाइस मुझे नहीं लगता अगेन कि भैया आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जब आपको वॉचेस बहुत अच्छा मिल रहा हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं गाइस, कहना यह चाहता हूं कि जो प्राइसिंग रखी गई है ना इस रियलमी वॉच का, वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। 2,500 तक होता तो एडजस्टेबल था, 3,000 तक होता तो ओके था, बट 4,000 काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इन सभी वॉचेस की वीडियो की लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में और बाय लिंक भी छोड़ दूंगा जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरा वन वर्ड रिकमेंडेशन माने और अगर आप 3,000 के नीचे कोई ख़रीदना चाहते हैं तो भैया हेलो वाला ले लो, और जिनको हेलो वाला नहीं लेना है, जिनको राउंड डायल चाहिए, तो मैं कहूँगा कि यार ये ब्लिट्ज़ुल्फ का जो वॉच है ना ये बेस्ट है राउंड डायल में, इससे खूबसूरत और कोई। तो इन सब का फुल रिव्यू देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी के लिए गाइस आज का वीडियो शुक्रिया, अगर आज की वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।